देखिए हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि क्यूबिक इक्वेशन में है, ठीक है। तो सॉल्व बाय कार्डन्स मेथड, कार्डन्स मेथड से सॉल्व करना है तो ठीक है, क्यूबिक इक्वेशन कार्डन्स मेथड से ही सॉल्व होता है। लेकिन क्या होता है कि उसमें जो सेकेंड वाला टर्म मिसिंग होना चाहिए, मीन्स एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म्स होता है वो मिसिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स है, मीन्स क्या कि इसे एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो एलिमिनेशन कैसे होगा, तो डिमिनिश वाला जो डिमिनिश चैप्टर पढ़े होंगे तो उसमें पता चला होगा कि डिमिनिश करके हम इसे सेकेंड वाला टर्म्स को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी का यूजेज होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन क्या है कि सबसे पहले लिखेंगे द गिवन इक्वेशन जो हमारा दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। द गिवन इक्वेशन इक्वेशन इज क्या है, एक्स क्यूब है प्लस यहाँ पे सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स प्लस 32 इक्वल टू जीरो। इसे इक्वेशन वन कंसिडर कर लेते हैं। देन वी हैव, हमारे पास क्या होता है, देखिए ये जो टर्म्स है एक्स मीन्स यहाँ पे एक्स क्यूब है तो एक्स क्यूब का जो कोफिशियंट होता है वो हमारा होता है ए नॉट इक्वल टू वन हो गया। फिर यहाँ पे ए वन होता है तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट सिक्स। फिर यहाँ पे देखिए ए टू होता है जो कि माइनस ट्वेल्व। ए थ्री होता है जो कि हमारा 32 है। और क्या है कि एन का यूजेज होगा यहाँ पे, तो एन जो होता है वो हाइएस्ट डिग्री होता है। तो यहाँ पे n जो होगा वो हमारा 3 हो जाएगा। ये हमारा हाईएस्ट डिग्री है 3, तो हमारा 3 हो गया, ठीक है। देन देखिए देखो क्या कि h मीन सेकेंड वाला टर्म्स को एलिमिनेट करें तो उसका फॉर्मूला होता है h इक्वल टू माइनस ए वन बाई ए नॉट और मल्टीप्लाई में n होता है। तो देखिए माइनस ए वन, ए वन का वैल्यू यहाँ पे 6 है क्या, ए वन का वैल्यू 6, ए नॉट, ए नॉट का वैल्यू हमारे पास 1 है, मल्टीप्लाई विथ एन, एन जो हमारा वो डिग्री 3 है। तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस 2 बचेगा। हम माइनस 2 से डिमिनिश हो जाएगा क्या, माइनस 2 से जैसे डिमिनिश करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म्स हमारे पास हट जाएगा। लिखेंगे नाउ यूजिंग सिंथेटिक डिविजन, सिंथेटिक डिवीजन यूज करें तो माइनस टू यहाँ पे एज इट इज रहेगा। और देखिए कैसे करते हैं कि यहाँ का सारा का कॉफिशियंट लिखते हैं, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन दिया था सारा का कॉफिशियंट, तो 1 6 माइनस 12 और 32 ये हो गया। तो देखिए ये जो फर्स्ट वाला टर्म होता है एज इट इज 1 का 1 हो गया, 1 इंटू माइनस 2 तो मीन्स हो जाएगा माइनस 2। अभी दोनों को एडिंग करते हैं, दोनों को जैसे ही एडिंग करेंगे तो हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू फिर यहाँ पे माइनस 2 करेंगे तो हमारा माइनस 8 हो गया। फिर माइनस ये दोनों को एडिंग करेंगे तो माइनस 20। फिर क्या कि माइनस 20 इंटू यहाँ पे माइनस 2 तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये हमारा 40 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे 72 हो गया। और ये जो वैल्यू होता है 72 वो होता है हमारा A3 वैल्यू होता है। फिर देखिए डिमिनिश करना है, मीन्स अब यहाँ से करेंगे तो देखिए 1 एज इट इज़ रहेगा हमारा, 1 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा माइनस 2। तो यहाँ पे 2 हमारे पास बच गया, देखिए दोनों को एडिंग करें तो सॉरी यहाँ पे दोनों को एडिंग करें तो ये हमारा 2 बच जाएगा, ठीक है। 4 माइनस 2 तो मीन्स हो गया 2। अब 2 इंटू माइनस 2 मीन्स क्या हो जाएगा माइनस 4, तो यहाँ पे माइनस 4 हो गया तो क्या हो जाएगा माइनस 24 हो जाएगा। ये हमारा जो है वो A2 है। फिर देखिए यहाँ पे अब देखिए ये 1 एज इट इज़ रहेगा और 1 इंटू माइनस 2 माइनस 2 ये हमारा 0। एक्चुअली में यही 0 लाना था क्या, A1 वाला टर्म्स 0 लाना था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म जो होता है वो हमारा A0 हो जाएगा, 1 जो हमारा ओनली 4 बचा ये हमारा A0 हो गया। तो देखिए एक्चुअली में क्या था कि क्वेश्चन हमारा एक्स का फॉर्मेट में था तो हम इसे डिमिनिज किए, मीन्स सेकेंड फॉर्मेट में लेके आए हैं कुछ दूसरा फॉर्मेट, तो ये हमारा वाई का फॉर्मेट में हम इसे लिख देंगे, ठीक है। देन देखिए लिखते हैं देयरफॉर अब क्या कि इसे लिखना या ना लिखना कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हमारा क्या हो जाएगा वाई क्यूब माइनस 24y प्लस यहाँ पे 72 इक्वल टू जीरो। तो देखिए क्या अब कार्डन्स मेथड अप्लाई हो सकता है क्या, इजीली हो सकता है क्योंकि सेकेंड टर्म वाला मिसिंग है तो कार्डन्स मेथड अप्लाई हो सकता है। तो लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ पे लेट y इक्वल टू यू प्लस वी, ठीक है, कार्डन्स मेथड से ही अप्लाई करते थे y इक्वल टू यू प्लस वी। देन क्यूबिंग करते थे बोथ साइड्स,
तो यहाँ पे एक कंसेप्ट ये यूज होगा कि हम एक्स में निकालेंगे ना, इसका रूट जो निकलेगा वो थ्री रूट्स निकलेगा जो कि हमारा एक्स का फॉर्मेट होगा। तो एक्स में क्या होगा कि एक्स इक्वल टू, और ये हमारा जो यहाँ पे निकालेंगे गार्डन्स मेथड, इसमें अप्लाई हो रहा है वाई के फॉर्मेट में, तो वाई के फॉर्मेट में अप्लाई हो रहा है लेकिन डिमिनिश करके किस से, टू से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई माइनस टू हो जाएगा। एक्स का जो वैल्यू निकलेगा उसमें क्या करना है कि y का देखिए, x का जो वैल्यू निकलेगा उसके इक्वल क्या होगा, जो हमारा y का जो यहाँ पे वैल्यूज निकलेगा वो, और माइनस यहाँ पे टू, डिमिनिस किए हुए माइनस टू। तो यहाँ से ये वाला फॉर्मेट हम यूज़ करके हमारा फाइनल आंसर आएगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कि यहाँ पे हम कार्डन्स मेथड अप्लाई कर लेते हैं। कार्डन्स मेथड अप्लाई क्यूबिंग बोथ साइड, बोथ साइड्स, ठीक है, क्यूबिंग बोथ साइड्स कर लिए। तो यहाँ पे वाई क्यूब हो गया और यहाँ पे यू प्लस वी का ये हमारा क्यूब हो जाएगा। तो देखिए u प्लस वी का क्यूब पता होना चाहिए क्या होता है, तो ये हमारा होता है u क्यूब प्लस वी क्यूब प्लस देखिए थ्री यू वी और u प्लस वी, ये होता है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि y क्यूब तो ये एज इट इज लिखते हैं और ये वाला टर्म्स को हम इधर ले आते हैं तो सारा नेगेटिव हो जाएगा। तो पहले ये लिख लेते हैं थ्री यू वी और u प्लस वी माइनस यहाँ पे u क्यूब माइनस यहाँ पे v क्यूब इक्वल टू जीरो हो गया। देन वाई क्यूब माइनस थ्री यू वी एज इट इज, यू प्लस वी को देखिए हम वाई माने हुए थे तो ये हमारा वाई का फॉर्मेट में चला गया। माइनस ये हमारा क्या कि कोफिशियंट टर्म्स है, यहाँ पे वेरिएबल्स टर्म्स है, यहाँ पे हमारा एक कोफिशियंट टर्म्स है, तो कोफिशियंट टर्म्स को हम एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। तो ये माइनस हो जाएगा और ये हमारा देखिए यू क्यूब माइनस दोनों से कॉमन आउट कर लेते हैं, प्लस यहाँ पे वी क्यूब हो जाएगा इक्वल टू ये हमारा जीरो हो गया, ठीक। देन अब हम क्या करेंगे कि इसे इक्वेशन हम टू कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, इसे इक्वेशन टू कंसीडर कर लेते हैं, इसे इक्वेशन थ्री, ताकि हम कंपेयर कर सकें इक्वेशन टू और थ्री को। कैसे, देखिए ये आर एच एस वाला टर्म जो है वो हमारा जीरो है, लेकिन यहाँ एल एच एस वाला टर्म्स को कंपेयर करेंगे। देखिए ये जो हमारा वाई का वेरिएबल्स है, यहाँ पे वाई का वेरिएबल्स है, दोनों आपस में इक्वल। फिर देखिए यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म और कॉन्स्टेंट टर्म, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, ठीक है। लिखेंगे नाउ यूजिंग, देखिए यहाँ पे नाउ यूजिंग नहीं, फ्रॉम लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम किससे, टू एंड थ्री से, टू एंड थ्री वी गेट हमें क्या मिलने वाला है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि ये टर्म्स y वाला वेरिएबल और y वाला वेरिएबल, देखिए तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि यहाँ जो होगा माइनस थ्री यू भी इक्वल टू, यहाँ पे क्या है माइनस ट्वेंटी फोर, ठीक। तो देखिए माइनस माइनस कैंसिल आउट और यू भी का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, एट आएगा क्या, तो ये हमारा आ जाएगा हमारा एट, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट होके हमारा एट आएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे कि क्यूबिंग निकाल लेंगे, यू भी का क्यूब निकाल लेते हैं, तो यू भी का जो क्यूब निकलेगा तो एट का क्यूब निकालना है, तो एट का क्यूब होता है 512। एंड देखिए एंड हमारे पास क्या होगा, ये 72 और ये वाला टर्म्स, ठीक है, तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे, मीन्स जो कोफिशियंट वाला टर्म्स होता है वो हम लेके आएंगे। देखिए इसे हम थोड़ा इरेज कर देते हैं, एंड देखिए एंड क्या होगा हमारे पास, ये 72 था क्या और यहाँ पे था माइनस यू क्यूब प्लस वी क्यूब, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यू क्यूब प्लस वी क्यूब इक्वल टू माइनस 72 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया और इसको क्यूबिंग में इसलिए किए ताकि ये देखिए यू क्यूब वी क्यूब में है तो हमारा रूट्स जो लेगा वो हम क्यूबिक में ले लेंगे, तो हमारा फाइनल यहाँ पे देखिए आ जाएगा, ईजी होगा एक्चुअली में निकालना। तो देखिए नाउ अब हम क्या करेंगे कि यू और वी का क्यूब का वैल्यू आ गया, यू क्यूब प्लस वी क्यूब का वैल्यू आ गया, मीन्स अब हम क्या करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे टी के फॉर्मेट में। तो लिखेंगे नाउ फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टी में, ठीक है, विच रूट्स आर, जो कि हमारा यू क्यूब और वी क्यूब है, रूट्स आर u क्यूब एंड v क्यूब के फॉर्मेट में। तो क्या होता है इक्वेशन, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, देखिए t स्क्वायर माइनस यहाँ पे होता है सम ऑफ रूट्स, रूट्स का सम जो कि हमारा सम ऑफ रूट्स ये है, और t मल्टीप्लाई में प्लस यहाँ पे होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट जो कि हमारा यहाँ पे है 512, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स,
इक्वल टू ये हमारा जीरो होता है। तो देखिए वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये हमारा टी स्क्वायर एज इट इज माइनस सम ऑफ रूट्स, ये माइनस 72, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 72 टी हो जाएगा। और देखिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है 512 इक्वल टू ये हमारा जीरो हो गया। ठीक, देन देखिए यहाँ टी वैल्यू निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक में हो रहा है, मीन्स टी का दो वैल्यू निकल के आ जाएगा। देखिए इसको थोड़ा इरेज करते हैं। देखिए क्या इसे हम मिडिल फैक्टराइजेशन में तोड़ सकते हैं क्या, ये जो 512 है तो इसको हम मिडिल फैक्टराइजेशन में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये टी स्क्वायर होगा और यहाँ पे होगा वो 64 और 8 हो जाएगा, प्लस देखिए 64T और प्लस 8T और प्लस यहाँ पे 512 इक्वल टू जीरो। तो 64 और 8 को एडिंग कर रहे तो हमारा 72 आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 512 आ जाएगा और यहाँ से टी स्क्वायर होता है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। देन देखिए यहाँ से टी कॉमन आउट कर लेते हैं, तो टी कॉमन आउट किए तो यहाँ पे टी और यहाँ पे 64 बच जाएगा, प्लस यहाँ पे 8 कॉमन आउट करेंगे तो टी प्लस यहाँ पे 64 होगा इक्वल टू जीरो। तो देखिए यहाँ पे टी प्लस 64, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा टी प्लस 8 होगा इक्वल टू ये हमारा जीरो हो गया। तो टी का वैल्यू यहाँ से निकल गया क्या, माइनस 64 होगा और यहाँ टी का वैल्यू माइनस 8 हो जाएगा। ठीक है, दो टी का वैल्यू निकला। तो ये जो टी का वैल्यू है वो क्या है कि यू क्यूब और वी क्यूब का वैल्यू है, क्योंकि रूट्स जो हमारा था वो यू क्यूब और वी क्यूब में था, लेकिन देयरफॉर ये हमारा यू क्यूब का वैल्यू है माइनस 64 एंड ये हमारा वी क्यूब का वैल्यू है माइनस 8। ठीक है, देन देखिए यहाँ से निकलेगा हमारा क्या U का वैल्यू, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जो 64 है वो किसका क्यूब है, ये हमारा एक्चुअली में 4 का क्यूब है तो माइनस 4 होगा क्योंकि क्यूबिक में है यहाँ पे, तो पावर एक्चुअली में ऑड में है तो क्या माइनस वाला टर्म्स रहेगा क्योंकि एंड देन फिर V देखिए V इक्वल टू होता है वो हमारा माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 2 का ही क्यूब है हमारा देखिए माइनस 8। ठीक है, तो ये हो गया। एंड देन फिर क्या कि जो हम निकाले थे y जो था, देखो क्या कि y इक्वल टू क्या था हमारे पास u प्लस v था, तो देखिए u प्लस v मीन्स माइनस 4 और माइनस 2 इक्वल टू क्या माइनस 6, ये हो गया क्या माइनस 6। देन फिर क्या करेंगे, माइनस 6 एक रूट निकल चुका है तो तीनों रूट निकाल के फिर हम x का फॉर्मेट में हम निकाल देते हैं, तीनों रूट निकालेंगे। ठीक है, एक रूट जैसे निकल गया तो क्या होता है कि सेकेंड और थर्ड रूट भी तो इजीली निकल जाता है सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करके, क्योंकि कोई भी इक्वेशन का एक रूट पता हो तो हम सारा इक्वेशन सारा रूट्स हम निकाल सकते हैं ठीक सिंथेटिक डिवीजन से। तो यहाँ पे क्या हो गया कि माइनस 6 एक रूट निकल गया लेकिन वाई के फॉर्मेट में निकला है, तो एक्स का फॉर्मेट में निकालने के लिए एक्स इक्वल टू वाई माइनस 2 ये हम यूज़ कर देंगे लास्ट में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। Using synthetic division, देखिए क्या होगा कि माइनस सिक्स करेंगे और माइनस सिक्स से करेंगे लेकिन किसमें सिंथेटिक डिवीजन यूज करेंगे, ये हमारा वाई वाला फॉर्मेट है तो वाई वाला फॉर्मेट जो है तो वाई वाला जो हमारा इक्वेशन आया था उसमें। ठीक है, तो वाई वाला इक्वेशन जो था वो क्या था, सबसे पहले तो वाई क्यूब था, हम लिख लेते हैं इक्वेशन जो हमारे पास था वो वाई क्यूब माइनस यहाँ पे 24y और प्लस 72 इक्वल टू जीरो, ये हमारा इक्वेशन था क्या। तो यहाँ जो सिंथेटिक डिवीजन यूज होता है वो हमेशा होता है कंप्लीट फॉर्म में, तो वाई स्क्वायर वाला नहीं है तो वाई स्क्वायर की जगह पे हम जीरो लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस 6 यहाँ से करेंगे और ये हमारा कोफिशियंट लेते हैं तो 1 और ये वाई स्क्वायर वाला टर्म्स जीरो, तो यहाँ पे माइनस 24 ये 72 ये हो गया। देन देखिए ये फर्स्ट टर्म एज इट इज रहेगा, 1 का मान एज इट इज रहेगा और देखिए यहाँ पे 1 इंटू माइनस 6 क्या हो जाएगा माइनस 6, ये दोनों को एडिंग करेंगे तो माइनस 6, फिर माइनस 6 इंटू माइनस 6 तो माइनस माइनस प्लस 6 इंटू 6 36, तो ये हमारा हो गया 36। ठीक है, देन यहाँ पे क्या बच रहा है 36 है और माइनस 24 है, मीन्स यहाँ पे 6 और 6 12 बचेगा हमारे पास, तो यहाँ पे 12 हो गया। देन देखिए 12 इंटू माइनस 6 ठीक है तो क्या होता है 72 होता है लेकिन नेगेटिव में, तो देखिए 72 इक्वल टू जीरो। हमेशा देखिएगा जब भी आप यूज़ कीजिएगा ये सिंथेटिक डिवीजन लास्ट में जब निकालने का, तब देखिए यहाँ पे जो होता है रिमाइंडर वो हमेशा जीरो आना चाहिए, रिमाइंडर जीरो आया मीन्स आपका सही बन रहा है। ठीक है, जो हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो वो हमारा सही सॉल्व हो रहा है, यहाँ पे रिमाइंडर हमेशा जीरो आएगा। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉर्म हो जाएगा क्या, जैसे कि हमारा ये क्यूबिक इक्वेशन में था क्वेश्चन, ठीक है वाई वाला, देखिए वाई वाला जो इक्वेशन था हमारा इक्वेशन 2 तो वो क्यूबिक में था, तो यहाँ से क्या होगा कि वहाँ से एक पावर कम होता है तो ये हमारा स्क्वायर में हो जाएगा। ठीक,
तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखो क्या हो जाएगा, ये हमारा वाई स्क्वायर में होगा माइनस सिक्स और ये हमारा वाई होगा प्लस यहाँ पे ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। इट इज द फैक्टर ऑफ, किसका फैक्टर है, वाई क्यूब माइनस ट्वेंटी फोर वाई प्लस सेवेंटी टू इक्वल टू जीरो का ये हमारा फैक्टर है। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो देखिए वाई स्क्वायर माइनस सिक्स वाई प्लस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो। तो ये हमारा सॉल्व हो सकता है क्या मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन में, तो इसे तोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये हमारा नहीं टूटेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम जब निकालते हैं एक्स का वैल्यू, तो यहाँ पे वाई है वाई का फॉर्मेट में, तो वाई का वैल्यू तो वाई इक्वल टू माइनस बी, जैसे एक्स का वैल्यू होता था ना माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइड में टू ए, तो यही फॉर्मूला यूज़ होगा। तो माइनस बी, माइनस बी यहाँ पे देखिए क्या है कि सिक्स है, माइनस है ऑलरेडी, माइनस माइनस प्लस सिक्स हो गया, प्लस माइनस रूट अंडर सिक्स मीन्स क्या हो जाएगा, सिक्स का स्क्वायर मीन्स थर्टी सिक्स हो जाएगा और माइनस फोर ए सी, ठीक है। तो फोर और ए हमारा वन है और ट्वेल्व है यहाँ पे सी की जगह पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फोर्टी एट हो जाएगा क्या, तो ये हमारा फोर्टी एट और डिवाइड में टू और ए की जगह पे वन है, तो ये हो गया। देन वाई इक्वल टू सिक्स प्लस माइनस रूट अंडर, देखिए यहाँ पे क्या कि नेगेटिव टर्म वाला बचेगा जो कि हमारा माइनस ट्वेल्व होगा और डिवाइड में यहाँ पे टू हो जाएगा, ठीक। देन क्या करना है कि देखिए ये जो माइनस वाला टर्म होता है वो हमारा आयोटा बन जाता है और माइनस ट्वेल्व को हम क्या बाहर कर सकते हैं छोड़ के, जैसे कि हमारा ट्वेल्व है तो यहाँ टू से जाएगा सिक्स टाइम्स में और टू से जाएगा थ्री टाइम्स में, टू बाहर हो सकता है, ठीक है। टू टाइम्स है तो रूट के अंडर टू बाहर हो सकता है और रूट अंडर हमारा थ्री ही बच जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं, देखेंगे वाई इक्वल टू क्या हो रहा है, सिक्स प्लस माइनस टू आयोटा रूट थ्री बाई टू। तो देखिए यहाँ से कॉमन आउट कर लेते हैं, तो वाई इक्वल टू यहाँ पे जाएगा तो वो क्या हो जाएगा कि थ्री टाइम्स, ठीक है, यहाँ पे थ्री टाइम्स प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री बाई टू, ये हो जाएगा क्या हमारे पास, देखिए ये हो गया। देन ये हमारा रूट्स निकला और एक माइनस सिक्स रूट्स था वाई का वैल्यू और ये हमारा एक वैल्यू हो गया, सॉरी यहाँ पे टू नहीं होगा क्योंकि टू यहाँ पे कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये ओनली फॉर यही बचेगा, दिस इज माय मिस्टेक। देखिए टू यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ कॉमन आउट कर लेंगे, तो टू यहाँ से कॉमन आउट यहाँ से, तो यहाँ से भी, तो तभी तो मीन्स डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे थ्री प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री ये हमारा बचेगा, ठीक। देन देखिए फाइनल जो रिक्वायर्ड हो जो हो रहा तो वो क्या हो रहा है, देखिए एंड फिर क्या लिखेंगे कि जो हमारा वाई होता है वो माइनस सिक्स था, वाई माइनस सिक्स था और वाई इक्वल टू दिस था, तो देयरफॉर द फोर द रिक्वायर्ड रूट्स आर क्या हो जाएगा, देखिए एक्स का फॉर्मेट में होगा हमारा रूट्स, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे मीन्स क्या कि वाई जो हमारा टर्म्स है वाई माइनस टू मीन्स यहाँ पे जो देखिए माइनस सिक्स माइनस टू ये हो गया हमारा वाई का वैल्यू माइनस सिक्स माइनस टू और यहाँ पे क्या होगा कि थ्री है प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री और इसमें माइनस टू हो जाएगा, ठीक। तो एक्चुअली में क्या होगा यहाँ पे जो है देखो क्या ये माइनस सिक्स और टू मीन्स माइनस एट हो गया और ये टर्म जो है तो यहाँ पे माइनस टू है माइनस टू और यहाँ पे रियल नंबर देखिए इमेजिनरी नंबर नहीं है रियल नंबर है, तो रियल नंबर में रियल नंबर माइनस, तो यहाँ पे थ्री माइनस टू मीन्स हो गया वन प्लस माइनस आयोटा रूट थ्री, ये हो गया हमारा आंसर क्या, तो ये हमारा आंसर हो गया फाइनल रिजल्ट हमारा यहाँ आ गया, ये हमारा आंसर है क्यूबिक इक्वेशन देखिए थ्री फॉर्मेट है, जैसे कि माइनस एट हो गया एक और एक वन प्लस आयोटा रूट थ्री एंड देन सेकेंड होगा वन माइनस आयोटा रूट थ्री, तो देखिए थ्री रूट्स निकल गया क्या हमारे पास, थ्री रूट्स इस गिवन इक्वेशन का निकल गया। तो कार्डन्स मेथड अप्लाई करना इजी है, बस थोड़ा सा फॉर्मेट पता होना चाहिए, बस कार्डन्स मेथड अप्लाई हो जाएगा और आंसर भी आ जाएगा।